इस तरह दूसरिया बीमारियां ना, इस तरह ही एक बीमारी है। सब तो पहला तो आप एक्सेप्ट करिए भी एक बीमारी है। मेरे को ना तीन चार दिन हो गए कोई किसी ने इंक्वायरी बात की थी भी आप अपने बंदे को शराब चलानी आ, तो आप मैं कह चलो कोई गल नहीं आ जाओ। कहते जी की फॉर्मैलिटियाँ की करते तुम कि महीने रखते जी? मैं कहा जी ये तो पेशेंट तो ना देखने तो बाद पता लगता है, पेशेंट की ना टैस्ट तो बाद कंडीशन तो बाद पता लगेगा भी कि चेर। कहते आप जो एक जगह तो पूछा वा वो कहते तीन महीने इनू छड़ जाओ, तो तिना महीनों बाद लै जाओ बंदा शराब छड़ दूगा। मैं कहा साढ़े इतने यहोजी गल कोई नहीं जी है। हाँ असी फैमिली भी जरूर हफ्ता दस दिन वो पंद्रह दिन वो ही रखते हैं, नाल इस करके रखते हैं भी फैमिली नूं पता लग जाए, फैमिली ये चीज़ एक्सैप्ट कर ले भी साडा बंदा जो करता पाया ना ये वास्ते गल नहीं है, इनू एक बीमारी लगी हुई है। जे एक टीवी वाले बंदे नूं खंघ आण डई आ तो वह कसूर हैगा कोई? मैनूं इह दसो पहिलां, उहदा कोई कसूर नहीं हैगा। इस करके जिहड़ा एक मानसिक रोगी आ ना, जे वो इहो जिहियां गल्लां कि हरकतां जिहनूं आपां हरकतां कहिंदे आ, जे इहो जिहियां हरकतां करदा पिया ना तो ये उहदी बीमारी दे सिमटम हैगे, ये उहदी बीमारी दे सिमटम है। जब तक उहनूं बीमारी रहेगी तद तक वह हरकतां करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपां कहिंदे जी शराब छड़ा दिओ, पर मेरा तजर्बा कहता वा शराब छड्ड के लोग ज़्यादा मरे आ, नशा छड्ड के लोग ज़्यादा मरे आ। हुण तुसीं कहो कि बीमारी तो नशे की सी, नशा छड्डण आया सी तो बंदा किस तरह मर गया ना? जे उहदे दिमाग का इलाज होएगा तो बंदा सरवाइव करेगा, जे सिर्फ नशा छड्डेगा तो फिर वह गल नहीं बनेगी जिहड़ी बंदे चाहिए है। इत्थे बह के तुहाडे मन दे विच जिहड़ी चीज़ है ना, जे तुहाडे मन च ना भी मैं चिट्टा छड्डना तो मैं काली खाई जानी आ, तुसीं चिट्टा छड्ड दोगे तो काली बरकरार रहेगी। जे तुहाडे मन च ना भी मैं हुण घट करिया करूँगा, हिसाब ना करिया करूँगा तो तुहाडा नशा घट जूगा। जे शराब पीने वाले का मन च यह ना भी शराब तो मैं छड्ड देनी आ पर बीयर मैं पी लिया करूँगा, वो शराब छड्ड दूगा तो बीयर तो आ जूगा, वो वक्री गल आ, बाद च फिर शराब पर पहुँच जाएगा। गल मैं ये कहना चाहता वा भी जे आप नशे पर फोकस रखे ना फिर आप मतलब कि हार जाएंगे, हार ही जावे मैं तो कहूँगा, फिर आप हार जाएंगे। आप हारते क्यों हाँ? क्योंकि आप नशा प्रोडक्ट तो नश मतलब कि फोकस नशे पर रखा हो भी आप नशा छड्डन आए हाँ, आप चिट्टा छड्डन आए हाँ, आप काली छड्डन आए हाँ, आप शराब छड्डन आए हाँ, आप आ छड्डन आए हाँ, जबकि बीमारी कितने होर बैठी हुई है। यह जड़िया जेडे जेडे आप नशे कोल करते हैं ना आ छड्डन आया, वो तू जो छड्डन आया ना ये तेरी बीमारी का सिमटम है, यह तेरी बीमारी का सैड इफैक्ट है। तू शुकर कर वो सैड इफैक्ट बाहर आया तो तेरे अंदर की मैल का पता लग गया भी तेरे अंदर आ मैल है। जिस तरह भाई तुम्हें क्या भी मैं सप्प लड़ गया, मैनू सप्प की परवाह नहीं रही, मैं नहीं परवाह की मैं सप्प लड़ गया, मैं क्या वेखी जाएगी जो होगा। तुम समझ सकते बंदा क्यों कह रहा भी एक बंदे नूं सप्प चार बारी डंग मार दे ते बंदा कहे कोई गल ही नहीं, फिर भी आह कड़ी गल है, वह माड़े जिहा तेल ला दिओ ये कड़ी गल है, सप्प ने मेरा की कर लैना। भाई सप्प नूं कुछ होया कि तुहानूं कुछ होया? सप्प नूं पता होया तंत्री ना कुछ होया यस। गल समझो बीमारी किन्ने दूर तक किन्ने हड्डां दे विच रच गई है जाके, जी बीमारी हड्डा तुम देखो तुम इमेजिन करो भी बंदे सही सप्प का ना सुन के हम कई राति सुपने सप्प आ जाना, इन्नी गल सुन के सुपने सप्प आ जाना। देख लो भी सप्प लड़ गया, सप्प ने चार जगह डंग मारिया, बंदा कहता फिर की हुआ? वो ये कड़ी गल है कोई गल नहीं, जवानों जवानों वास्ते कि गल है, ये होंदा ही होंदा। तुम देखो भी वो माइंड की कपैसिटी किन्नी हैगी है, दैट इज़ द सिकनैस, दैट इज़ द सिकनैस। मैं कल ये गल मेरे करियलाइजेशन आई भी अब मैं सारे अपने बंद यही जाके क्या करना, मैं नहीं कभी किसी कहना नशा छड्ड, या मैं कभी घरद कहना नशा छड़ाओ जी, मैं सिर्फ घरद भी कहना प्लीज़ 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 तुम अपना नुकसान बहुत कर लिया तो हूँ अपना नुकसान ना करो। एंड मैं स्टूडेंट को पेशेंट को भी यही गल कहनी आ भी भलिया मान साहब बहुत नुकसान कर लिया तू अपना, हूँ तू अपना नुकसान ना कर। जे गल दिमाग च आ जाए ना, जे गल धुर तक पहुँच जाए वो अंदर तक पहुँच जाए भी मैं अपना नुकसान नहीं करना तो बंदा कोई नशा कर सकूगा? मैं ये दसो पहला भरत दसो मिठी जी दस गुर चरण दस तरनवीर मैं ये दसो दसो बलजीत भाजी
जे ता मन इस तो तक मांझे भी मैं अपना नुकसान नहीं करना जो मर्जी हो जाए पर इतों तक पहुँचने वास्ते भी एक टाइम लगता एड्डी छेती दिमाग नहीं खुलता दिमाग तुम कहो भी अज आए तो हफ्ते ही दिमाग खुल जाए नहीं 15 दिन दिमाग खुल जाए नहीं मेरा भी 1.5-2 साल बहुत औखे रहे बहुत ही औखे रहे तुम यह ना समझो भी मैं दाद कराया तो हफ्ते 10 दिन 5-7 मीटिंग अटेंड कीतियां तो बंदा हरा हो गया इस तरह नहीं होता हौली हौली दिमाग खुलता हौली हौली दिमाग खुलता 1.5-2 साल मेरे ही बड़े औखे रहे बिच ठूंगे भी वजते रहे झूठ भी चलते रहे घर च भी कलेश होया मार कुटाई भी हुई मैं घरों भी भज्जिया बड़े ईवेंट होए बहुत ज्यादा ईवेंट होए पर वो सारिया बीमारी दियाँ परतां सी जो जो बीमारी की परत लगती सी ना विचों बंदा नवा निकली आता फिर तुम हर एक मीटिंग की वैल्यू का पता लगेगा हर दवाई की वैल्यू का पता लगेगा भी कि दवाई खानी है फिर तुम कभी भी दवाई अपनी मर्जी का कोड नहीं करोगे मैं डॉक्टर साहब को कई बार बैठा हूँ मतलब कि बंदा मसा 2-3 महीने 4-5-6 महीने मसा स्टेबल होगा थोड़ा जहा लैन से आने लगता घर के नाल ही कहें आ 3 नंबर वाली गोली बंद कर दो जी डॉक्टर साहब कहते की हो गया ये ना मूँह से छाइया पै गई दसो तू पता गोली का छाइया पा आर यू डॉक्टर तुम क्वालीफाइड प्रोफेसनल जे तू कि पता लग गया भी ये मूँह से छाइया पै गई 3 नंबर गोली ना पा 3 नंबर कर दो जी मरीज कहेगा 2 नंबर बढ़ा दो जी पर देख लो घर सिकनेस देखो वो मरीज का डॉक्टर को छड़ के 100% मरीज के आखे लग जाते अगे उन्हें आखे लग लग के आप इतों तक पहुंचे हैं एन 6 महीनों बाद ही फिर अभी उन्हें आखे लगन लग पे हैं भी कोई गल नहीं आ दवाई कर दो जी ये को काम नहीं होता मैंने परसों चौथ ही किसी ने कहा सर यहोजी दवाई पा के दो भी साडा बंदा काम कार भी करता रहे मैं कहीं दोवे चो एक काम ही करेगा ज नशा छेगा ज काम कार करेगा नहीं वो होने को तुम चलो सही साढ़े न डॉक्टर को कहो यह दवाई पा दे भी काम कार भी करता रहे तो नशा भी छड़ दे ये गल नहीं होनी है प्रायमरी स्टेज से नहीं होना दोवे चो एक काम करा लो जो नशा छड़ा लो तो या वो काम करा लो पर क्योंकि आप बड़ा माइनर लेने माइनर लेने भी ये बड़ी माइनर बीमारी है भी हम नशा छड़ता हूँ ठीक है नहीं ठीक है जी अजे नहीं ठीक नहीं इन्हू कहो हम 5 बजे उठ के पाठ कराया कर मैं कहा जी मैं तो नहीं कह सकता कहते क्यों मैं कहा मैं आप 12 बजे उठता रहा हूँ जो मैं आप इलाज के दौरान 12 बजे उठता रहा है तो मैं इन्हू कि तरह 5 बजे सुजैसट करता क्योंकि अजे यदि कपैसिटी है नहीं इन्हू कहो गुरुद्वारे जाया करे मैं कहा अजे ना कहना इन्हू गुरुद्वारे नहीं आप कला मत्था टेक के आया कर तेरी विल पावर बनूगी तू कला मत्था टेक के आ तेरी विल पावर बनूगी भरत की करेगा जो कला मत्था टेक जाएगा तो पर सानू काली पई आ दवादव साडा बंदा ठीक हो जाए दवादव साडा बंदा ठीक हो जाए मैंने लगता पहला तो घरदियां नू अपनी काली का इलाज करवाना चाहिए घरदियां नू पहला इत्थे बह के अपनी काली का इलाज करवाना चाहिए जिहड़ी अंदर झूठी तसली ते झूठी सैटिस्फैक्शन रखी है ना उन्होंने भी आपां बंदे का इलाज कराता तो बंदे ने नशा छड़ता इस तरह नहीं होना इस तरह हो ही नहीं सकता मेरे तजर्बे जो निकला जिन्हें साडे वीर इत्थे स्टूडेंट बैठे आ कोई 2 साल कोई 4 साल कोई 5 साल कोई 10 साल तो मतलब कि रिकवरी चल रहे उन्होंने एफर्ट्स कुछ हो रह गई उन्होंने की किया उन्होंने पहले स्टैप से नशा छड़िया वा तो बाद छड़ी कि तरह रखना वा ये वास्ते स्किल सीखिया तो अज तक सीखते पे क्यों पर क्यों मिठी जी जिथे बंदा ये कह देगा ना ज घर दे कह देंगे साडा बंदा हूँ ठीक है इन्हें हम नशा छड़ता जिथे घरदियां झूठा जिहा दरासा आजूगा ना झूठा जिहा कॉन्फिडेंस आजूगा झूठा जिहा ओवर कॉन्फिडेंस आजूगा भी साडे बंदे ने हुण नशा छड़ता हुण नहीं ये करता उदण ही समझो तुसीं उहनूं नशा करन वास्ते सहमत मारती आ तुसीं उहनूं ऑफर करती आ भी तूं हुण कर ला क्यों भाजी इस तरह इस तरह होया है इस तरह ही है मेरे नाल भी इस तरह होया मेरे नाल जो होया मैं तां उह दसदा पिया सो फस्ट ऑफ आल घरदियां नूं इह चीज़ समझनी चाहीदी भी साडा बंदा बीमार है मतलब कि अही कहने मरीज़ को भावें घर ही रहन दो जे मेरे को हूँ जो इनकुआरी वास्ते आना ना मैं यही कहना भी मरीज़ को रहन दो जे घर ही तुसी आके 5 मंगलवार ते 5 शुक्रवार मीटिंग अटेंड करो आके सैशन सुनो आके उत्थे मीटिंग थोड़ा जिहा ढुई टका के ना उत्थे बैठो अहे उत्थे की आ मैं क्या उत्थे जो हैगा उत्थे जाके पता लगना
इतना दसिया जा सकता उन्होंने उत्थे की है? मैं कहा जी इतना नहीं मैं दस सकता, तुम उत्थे जाओ। मेरा ख्याल है 1% भी नहीं आया, कोई 1% भी कोई नहीं आया इतने मीटिंग सुनने वास्ते। मेरे अपने रिश्तेदार बड़े, एक भी ठीक नहीं होया, एक भी ठीक नहीं होया, क्योंकि ठीक होने वास्ते जी प्रक्रिया की तैयारी करनी है ना, वो कोई नहीं करता, वो कोई नहीं करता। जे तुसी उस तैयारी च पै गए ना, इस तैयारी दे विच इन्नी पावर है, तुहाडी जिंदगी आपे फ्लो च चलन लग पैनी है। तुहानू जिंदगी च प्रॉब्लम आनगियां, पर तुहाडियां ऐ ही प्रॉब्लम निकल जाणगियां। मिठी मेन गल पता की आ, जब तक आपां प्रोडक्ट छड्डण तों जोर नहीं ना लावांगे, ध्यान नहीं लावांगे, साडी जिंदगी हल्की नहीं हो सकदी। असीं सारा जोर, सारा पोटेंशियल, सारी एनर्जी इसे चीज़ ते लाई आ वी नशा छड्ड दो, नशा छड्ड दो, नशा छड्डा दिओ, नशा छड्ड दो, नशा छड्ड दे, जबकि नशे च बीमारी नहीं हैगी। मेन गल मैं यह कहनी चाहुंदा, सल्यूशन की आ? सल्यूशन है घर का माहौल। जिन्हें साढ़े को स्टूडेंट बैठे आ जिहड़े रिकवरी च आ, सारिआं दे देख लो तुसीं, सारिआं दे घरां दे माहौल बदल गए आ। क्यों शीश जी, क्यों पुत्तर, क्यों मनप्रीत जी, क्यों भाजी, दसो जी। कोई एक बंदा तो दसे मैनू भी असी अपने घर का माहौल बदलिया बगैर अपना बंदा ठीक होया? साडा एक भी नहीं हैगा। हुण किहड़े बंदे ठीक नहीं होए, किन्ना को नशा नहीं छड्डिया गया, चलो इतना ही कह लो, जिन्हां दे घरदिआं ने अपने आप नूं नहीं बदलिया। सो मेरे ख्याल नाल प्रायमरी स्टेज दे विच सिर्फ 10% इलाज पेशेंट दा वा ते 90% फैमिली दा वा। जे फैमिली अपने आप नूं इलाज दे विच नॉल करदी आ ते फिर 100% रिजल्ट आ गए। ते जे आपां मतलब कि आम करके फैमिलियां, चलो फैमिलियां नूं भी अवेयरनैस नहीं हैगी, असीं इहनूं उत्थों गोलियां लिया के दित्तियां सी, उत्थों गोलियां लिया के दित्तियां सी, कुछ जीभ थले रखण वालियां गोलियां सी, कुछ आह सी, चलो ठीक आ, तुहानूं नहीं अवेयरनैस, तुसीं हुण सारे तजर्बे करदे आ ना, जीभ थले गोली रख ली, टीके दवाले, आह कर लिया, आह कर लिया, सारे नीम घीम को तुसीं चले गए जे, हुण नहीं ना गल बनी, घर दे विच नहीं सुख शांति आई, नहीं ना जिंदगी वधिया हो गई। हुण जे आ गए ना, कम से कम हुण बंदा अपनी मर्जी छड्ड दे। जिहड़ियां फैमिलियां ने अपनी मर्जी छड्डी आना, उन्हां दा बंदा ठीक होया। मतलब जिन्हां ने कहा भी अहीं तुहाडे को आ गए हाँ, सानूं नहीं पता अहीं ठीक होना, उन्हां ने पूरा ट्रीटमेंट लिया वा। एक ट्रीटमेंट है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। हमेशा वो बंदे रिकवरी चाहणगे जिहड़े प्रॉपर ट्रीटमेंट लैणगे, जिहड़े सिर्फ ट्रीटमेंट लैणगे। ट्रीटमेंट की आ भी नशा छड्डना, हुण इहने 3 महीने हो गए नहीं कीते, हुण इहने 6 महीने हो गए नहीं कीते। मैं कहा जी नहीं लगता इन्हें कुछ किया, वो नहीं अपने पापा बह के एक दो पैग ला लेंदा, तो पापा भी कहता कोई गल नहीं, फिर भी एक दो पैग मेरे ना ला लिया कर, मैंने भी 40 साल हो गए लाद्या, कोई गल ही नहीं हैगी। पर इतना गल चिट्टा ना लाया कर, चिट्टे ना बड़ी बदनामी होंगी साड़ी। आ जदों ये जदों नहीं शराब ना कि बदनामी नहीं हुई, जो पापा पीता से उदों बदनामी नहीं आई, जो बदनामी होगी ना हम शराब ना हुई तो चिट्टे ना आई, यदा की मतलब है? हुण प्यो दे शराब पीन ने जिहड़ी सारी गल सीखनी आ, समझ नहीं आ, ते जां उहदी माँ को पुछ ते जां बच्चों को पुछो भी प्यो शराब पीता, शराब का नुकसान है कि नहीं है। जे बच्चा अज चिट्टा लै रहा है वह क्यों लै रहा है? क्योंकि प्यो शराब पीता हुंदा सी। हुण जमाना तरक्की नहीं कर गया भी जे प्यो शराब पीऊगा तो मुंडे ने चिट्टा ला लिया तो उत्थे कि गल करती उहनें? रही तो बीमारी की बीमारी ना, रहा तो कलेश का कलेश ही है ना। सानू गल समझनी चाहिए आ, गल यह समझ नहीं आ भी बीमारी नशे च नहीं हैगी, बीमारी बीमारी साढ़े जिंदगी जीन के तरीके हैगी, बीमारी साढ़े लाइफ स्टाइल हैगी, बीमारी जी साढ़े अंदर जैलसी आ ना, ईरखा ये हैगी, बीमारी साढ़े कंपैरिजन पैटर्न हैगी, बीमारी साढ़े शो ऑफ है बीमारी। हुण प्यो प्यो 10 बंदिआं नूं महफल च बना के कहेगा लो जी मेरे घर पार्टी आ, तरह तरह का मीट बनूगा, तरह तरह की आह चीज़ बनूगी, आओ वेलकम, मतलब कि साडा आह वा आह वा। तो जो मुंडा 10 जणिआं नूं कह के चिट्टा लवाउण डिआ तो उत्थे किहड़ी गल है? उत्थे किहड़ी गल है? कोई एड्डी गल नहीं। पैटर वो अपने पापे तो सीख्या उन्हें, वो चीज़ा उन्हें अपने फादर तो सीखियां। सो मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है जब तक फैमिली अपने आप को चेंज नहीं करेगी, सानू बिल्कुल उम्मीद ना रखिए भी साडा बंदा ठीक हो जूगा, क्योंकि बंदे दी अजे इन्नी कपैसिटी नहीं हैगी, बंदे दी इन्नी कपैसिटी नहीं हैगी कि वह हर चीज़ परफेक्ट करे। नहीं कर नहीं हुई नहीं वो परफेक्ट, वो जिंदी करता उन्नी सही जरूर, उन्होंने 6 बजे उठाना वा, जे वह 10 बजे उठता 10 बजे सही, जे वह 12 बजे उठता 12 बजे सही, कोई गल नहीं। अजे सिर्फ
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ? ਇਹ ਨਾ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 12। ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਕਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏ ਵੀ 12 ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 12 ਦੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਗ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ, 6 ਘੰਟੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ 5 ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 12 ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 12। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਅ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 12। ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ 6 ਵੱਜਣੇ ਆ? 5-5 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਭਰਤ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਠਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ 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 ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਠਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਦਫਾ ਜਾ ਉੱਥੋਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਉ। ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਠਾ ਠਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ 5-5 ਮਿੰਟ, 7-7 ਮਿੰਟ, 10-10 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਕਦਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? 8 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚਾ ਪੈਂਚਰ ਪੱਕਾ ਪੈਂਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਪਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ